नमस्कार, मैं मनाली पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ट्विटर्स पर, कहीं फेसबुक पेजेस पे, तो कहीं किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर काफी ट्रोल होते दिख रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी वीडियो या फिर उनकी योजनाओं या शिलान्यास की बातों को लेकर ट्रोल नहीं करेंगे। मोदी जी ने अपनी राजनीति काल में क्या कुछ किया, हम देशवासियों के लिए आज की वीडियो में उन बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में एक चाय की दुकान से लेकर प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचने की कहानी को। आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांचक तथ्यों के बारे में जिनसे आप अभी तक रूबरू नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया के नाम से बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। NCC में भी शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही RSS से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात RSS के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राजोसाना गाँव में रहने वाली जसोदाबेन से किया था। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे, तो वहां सारे छोटे काम करते, जैसे साफ सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना उन कामों में शामिल थे। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं, उन्होंने सिगरेट शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाया है। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 पर उठ जाते हैं। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्या काटते हैं।